हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड। चलिए आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, यानी कि दक्षिण चीन सागर विवाद। आपने अक्सर इसे न्यूज में सुना होगा, ये वापस से न्यूज में आया। जब अभी यूएस ने क्या किया, इन्होंने अपने दो नेवी एयरक्राफ्ट करियर और कई सारी वॉरशिप साउथ चाइना सी में भेजी। और उसके बाद चाइना ने बोला कि इस रीजन में क्या हो रहा है, यूएस दिक्कतें कर रहा है। मतलब ये चाइना बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं साउथ चाइना सी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा दिखाता है, और इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ रही है। तो मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति, और अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में दिखाऊं कि साउथ चाइना सी कहाँ है, तो आप देख सकते हैं ये है साउथ चाइना सी, ठीक है। तो चलिए अब इसका बेसिकली पूरा जियोग्राफिकल एरिया क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। तो आपको पता है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में, ये साउथ चाइना सी इसी का हिस्सा है, यानी कि साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। जरा फटाफट मुझे ये बता दीजिए कि पैसिफिक ओशन किस नंबर का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। अब इसके आसपास कौन से देश हैं? तो देखिए, साउथ चाइना सी से काफी सारे देश हैं जो अपना बेसिकली लैंड या अपना बेसिन शेयर करते हैं। बट ये जो हमारा पड़ोसी है चाइना, हर जगह की तरह इसने सी में भी अपना कब्जा दिखा दिया है। वो बोलता है कि ऑलमोस्ट 80% जो सी है ये साउथ चाइना, वो उनका है। कैसे बोलता है इसको समझेंगे, पर पहले ये समझिए कि कौन कौन से देश हैं जो बेसिकली साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि उनका भी अधिकार है यहाँ। तो फिलीपींस, ठीक है, ताइवान, चाइना तो ऑफ कोर्स, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, और यहाँ एक देश बच गया है, वो है ब्रुनेई। ये सारे देश हैं जो क्या करते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी पर उनका भी अधिकार है। लेकिन चाइना अपने अलग अलग मैप, जैसा कि वो करता है, कोई अलग से एक मैप ले आएगा, बोलेगा कि इस पे मेरा अधिकार है, तो उसने इसके लिए भी एक मैप पेश किया और ये बोला कि इस पे मेरा अधिकार है। तो चलिए इस पूरी दिक्कत को समझा जाए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि साउथ चाइना सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, साउथ चाइना सी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है ट्रेडिंग और मर्चेंट्स के लिए। साउथ चाइना सी का जो नाम है ना, वो जो यूरोपियंस पहले के टाइम में ट्रेवल करने आते थे ना, जब वो बिजनेस करते थे, बेसिकली जब ईस्ट इंडिया कंपनी और इस सबके टाइम पर, तो उन्होंने ही इसका नाम साउथ चाइना सी रखा था, क्योंकि उनको डायरेक्शन में काफी ईजी हो जाता था, ठीक। अब देखिए, ये जो पूरा एरिया है ना साउथ चाइना सी वाला, आप देख रहे हैं यहाँ से ट्रेड जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, ऑब्वियसली चाइना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रेड का रास्ता यही है आने का। इन सब के अलावा ये आपको बाकी इसके देश तो दिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मलाका स्ट्रेट। आपको पता है इंडिया जितना भी ट्रेड इन सारे देशों के साथ करता है, उसमें मलाका स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। अब एक बात समझिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा साउथ चाइना सी है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है। किसका खजाना? ऑयल का, नेचुरल गैस का, फिशरीज का, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ जो हमें अभी पता भी नहीं है। तो यही है चाइना की नजर। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ऑयल, जो कच्चा तेल है या फिर क्रूड ऑयल है, उसका 11 बिलियन बैरल यहाँ है। ये सिर्फ नोन फैक्ट है, बहुत सारे अननोन भी हैं। नेचुरल गैस का 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ है। मतलब आप देखिए, ये बहुत बड़े नंबर है कि आने वाले 70-80 सालों तक चाइना को किसी बाहर के देश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इसने पूरा कब्जा कर लिया तो। पूरी दुनिया का फिशरीज, जो बेसिकली खाने के लिए यूज होता है, उसका 10% सिर्फ और सिर्फ यहीं से आता है, साउथ चाइना सी से आता है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा देती हूँ, और यहाँ जो ट्रेड होता है ना, बेसिकली जो भी चीजों की शिपिंग होती है इस रूट से, वो पूरे साल का 3 ट्रिलियन है। अभी इंडिया की इकोनॉमी भी इस वक्त 3 ट्रिलियन की नहीं है, उतने का यहाँ हर साल सिर्फ ट्रेड होता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 1/3 ऑफ शिपिंग यहीं से होता है। तो देख लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस
ट्रेडिंग में भी है, इसकी इंपॉर्टेंस रिजर्व में भी है। और चाइना, जैसा कि उसका काम है बुली करना, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना, जितने भी आसपास के देश हैं उन सब पर ही उसने यही किया है, ठीक है। तो अभी भी वो यही कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, स्ट्रेट ऑफ मलाका ये साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है, यानी कि हिंद महासागर को ये साउथ चाइना सी है जो आपस में कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका कनेक्ट करता है, तो इसकी भी अपनी एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो ये तो हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको ये बता दिया ये कहाँ है, आसपास देश कौन से हैं, मैंने ये बता दिया कि आर्थिक तौर पे इसकी जरूरत क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चाइना इसके पीछे इतना पागल क्यों है। वैसे तो चाइना हर एक देश की बाउंड्री, बेसिकली उसके हिसाब से रशिया, इंडिया, हर एक देश में उसकी जमीन है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी चाइना आकर बोलेगा, मैडम आप जिस घर में है ये घर भी हमारे एरिया में आता है, ठीक है। अब हम चाइना के बेसिकली पॉइंट पर समझने से पहले कि चाइना कैसे क्लेम कर रहा है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी। देखिए, लॉ ऑफ सी, आपको पता है कि समुद्र में काम करने का, वहां बेसिकली शिपमेंट और इन सारी चीजों का भी अपना एक रूल है। ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है किसी भी देश का जो बेसिन, जो लैंड है, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक उसे बोलते हैं टेरिटोरियल एरिया, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया होगा वो उस देश का ही हिस्सा होगा। यानी कि इंडिया की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक का जितना हिस्सा है वो इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया की ही टेरिटरी है। 12 नॉटिकल माइल्स आप 22 किलोमीटर से समझ सकते हैं। उसके बाद अगला जोन आता है कॉन्टिग्यूस जोन। अब ये क्या है, अगला 12 किलोमीटर ये क्या होता है, ये बेसिकली कहलाता है कॉन्टिग्यूस जोन। इसका मतलब होता है इतने एरिया में आपको काफी सारे राइट्स हैं, आप यहाँ अपने काफी सारे अधिकारों का यूज कर सकते हैं। अगला जो होता है ये पूरा 200 नॉटिकल माइल तक हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, इसमें भी काफी सारे कुछ अधिकार शेयर होते किए जाते हैं, बट काफी सारे अधिकार आपके पास यहाँ भी होते हैं। इन तीन तरीके से इसको बांटा गया है। इसके अलावा एक और लॉ है और वो है इनोसेंट पैसेज। अब इनोसेंट पैसेज का मतलब क्या होता है, देखिए आपने कई बार ऐसा सुना होगा, न्यूज में भी आता है कि जैसे श्रीलंका से हम वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, तो कई बार हमारे फिशरमैन वहां पकड़ लिए जाते हैं और वहां के फिशरमैन इंडिया में पकड़ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो भी बाउंड्री लाइन है उसको वो क्रॉस कर देते हैं। तो इनोसेंट पैसेज ये बोलता है कि आप किसी और देश में क्या कर सकते हैं, उनकी जो लाइन है वहां जाकर उनके रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आप वहां जा तो सकते हैं बट आप उनके रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते। ये दो लॉ हैं जिनका यूज किया जाता है, कहां, बेसिकली मैरीटाइम में या फिर शिपिंग और इन सारी चीजों में, ठीक। अब चलते हैं, ये समझते हैं चाइना का क्लेम क्या है। चाइना एक 9-line का मैप दिखाता है जो 1947 पर बेस्ड है, ठीक है। वैसे तो वो हान डायनेस्टी और बहुत सारी डायनेस्टी के हिसाब से बोलता है कि ये पूरा एरिया उनका है। देखिए इसमें क्या है, आप ये अगर देखें तो ये है 9-, यानी कि ऐसे 9 कर रखा है, और वो ये बोलते हैं कि जो 9 है इसके अंदर का जो पूरा एरिया है वो उनका है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप देखिए तो ये है ब्रुनेई, ब्रुनेई से यहाँ एक लाइन गई है, इधर ये है, इधर वियतनाम के करीब से गई है, इधर फिलीपींस के करीब से गई है। तो जो ये देश है वो बोलते हैं कि भाई जो यहाँ आइलैंड है ये हमारा है, क्योंकि ये हमारे देश के करीब है। आप इतने दूर बैठे हो, आप कैसे बोल सकते हो ये आपका है। बट चाइना क्या बोलता है, कई सारे आइलैंड है, परासल आइलैंड, इसके अलावा स्प्रेटले आइलैंड, ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें जिसे चाइना बोलता है कि मेरा हिस्सा है। यानी एक तो देखिए 9-line पर उसने बोल दिया कि इसके अंदर का पूरा किसका है, मेरा है। दूसरा, उसने जब इस आइलैंड पे अपना कब्जा दिखा दिया, तो मैंने अभी आपको बोला कि 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया पूरा किसका हुआ, उस देश का हुआ। तो अगर ये आइलैंड उनका हो गया तो इसके आसपास का पूरा एरिया भी उनका हो गया, अगर ये आइलैंड उनका हो गया तो इसके आसपास का पूरा एरिया उनका हो गया। यानी कि 80% ऑफ साउथ चाइना सी इसे क्या करता है, चाइना अपना क्लेम करता है इसी 9-line के बेसिस पे।
ये 9-line 1947 के मैप पर बेस्ड है। कितना रियल है, चाइना के डेटा आपको पता ही है, चाइनीज सामान की तरह है, कि कब वो कितने नकली है कितने असली है किसी को नहीं पता है। तो यही वो पॉइंट है जिसपे चाइना क्या करता है, वो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है। मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। देखिए, जब चाइना ने क्या किया, 2014 में चाइना ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि एक कृत्रिम द्वीप भी बना दिया। यहाँ बालू डाल के, मिट्टी डाल के उसने क्या किया, उसने एक कृत्रिम आइलैंड बना दिया। वहां उसने एयरबेस बना दिया, मतलब अपनी आर्मी डाल दी, अपनी बेसिकली एयरफोर्स को डाल दिया, सबको उसने यहाँ डाल दिया। और अगर अभी आपको पता हो, रिसेंटली कोरोना के टाइम पर भी चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव था। जब सारे देश कोरोना से झेल रहे थे, उसने साउथ चाइना सी में अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी, उसने कई सारी बेसिकली प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आर्मी और इन सारी चीजों की, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया के मछुआरों को मार दिया था साउथ चाइना सी में, वियतनाम की एक शिप थी उस पूरी शिप को ही डुबो दिया था। मतलब चाइना पूरे तरीके से यहाँ अपनी दादागिरी करता है कि अगर कोई भी साउथ चाइना सी में पहुंचता है ना, तो वो क्या करता है, उसको भगा देता है, अगर नहीं भागता तो उनको मार देगा, उनको गिरा देगा। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है साउथ चाइना सी में चाइना। अब देखिए, 2014 में जब उसने अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया ना, तो उस चीज को लेकर 2016 में फिलीपींस जो है वो गया कहाँ, वो गया इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन फिलीपींस के फेवर में सुनाया, बट उसके बाद भी चाइना ने मतलब इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल की बात भी नहीं मानी, और अभी भी वो 9-line को ही क्लेम करता है, यानी कि वो किसी बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी नहीं सुनता है। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह का बुली देश है चाइना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि वो किस बेसिस पे इस पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा मानता है। ये तो मैंने आपको दो पॉइंट बता दिया। अब देखिए, एशियान देश कैसे इनका रोल इंपॉर्टेंट है और कैसे इंडिया का यहाँ इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपका होमवर्क ये है, आप ये देख कर आएंगे कि जो एशियान है ग्रुप, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसमें टोटल कंट्रीज तो मैं आपको दिखाई रही हूं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब अगर आप एशियान मेंबर कंट्रीज देखें ध्यान से, तो आपको काफी सारे देश वो मिलेंगे जो साउथ चाइना सी के साथ अपना बेसिकली बेसिन शेयर करते हैं, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। मतलब आप देख सकते हैं, आपको मैं मेंबर्स दिखा रही हूँ, ये सारे मेंबर्स, 6 मेंबर्स क्या हैं, वो साउथ चाइना सी वाले ही हैं। तो देखिए, ये तो हो गया, इनको दिक्कतें हैं, बट ये काफी छोटे देश हैं, तो ये कुछ चाइना का बिगाड़ नहीं पाते। अब एक बात समझिए, पहले मैं आपको बताती हूँ एशियान जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट। अब ये कैसे यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि यूएसए काफी एग्रेसिव रहता है साउथ चाइना सी में। क्यों? क्योंकि यूएसए ने मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया है एशियान देशों को। एशियान कंट्री से यूएसए ने बोला, आप अपने डेवलपमेंट में काम करिए, आपकी मिलिट्री, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं, तो सिर्फ 2017 में यूएस ने 328.8 billion USD इन एशियान देशों में इन्वेस्ट किया। मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है, और इंडो पैसिफिक में यूएस काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। बट ये तो हो गई मिलिट्री की बात। यहां अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं, तो एशियान जो देश है वो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि इनसे सबसे ज्यादा बिजनेस होता है चाइना का, ठीक है। ये डेटा 2020 के पहले क्वार्टर, यानी कि आप समझ सकते हैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अलावा चाइना तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इन एशियान देशों में। अब आप एक बात समझिए, अभी चल रहा है कोविड, अब कोविड के बाद इन सारे देशों की हालत हो गई है खराब। अब अगर इनको पोस्ट कोविड में अपने आप को वापस से सुधारना है, तो इनको चाइना की जरूरत पड़ेगी, इनको यूएस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बट यूएस और चाइना के बीच रिलेशन है काफी खराब।
तो इन देशों को एक देश दिख रहा है जो इनकी मदद कर सकता है, और वो देश है कौन? वो देश है इंडिया। एशियान देश चाहते हैं कि इंडिया अब डायरेक्टली आए। इससे पहले इंडिया कभी बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट वो चाहते हैं क्योंकि इंडिया एक रीजनल पावर है तो इंडिया डायरेक्टली यहाँ एंटर करे, ठीक है, इंडिया उनकी हेल्प करे। अब देखिए इंडिया को क्या फायदा है, मतलब किसी और की लड़ाई में हम क्यों कूदे? इंडिया को काफी सारे फायदे हैं। कैसे फायदे हैं? देखिए इस पॉइंट पे आने से पहले मैं देखिए एक बात समझिए, मैंने बोला कि बहुत रिजर्व है, बहुत तेल है, और इंडिया आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल गैसेस क्या करता है, इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से। हम मिडिल ईस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, बट अगर हमने इन देशों की हेल्प की तो उससे क्या होगा, हमें तेल मिल सकता है अच्छे सस्ते रेट पर, और हमारे मिडिल ईस्ट पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकती है। मतलब अगर मैं क्या होता है, छोटे छोटे शिप जाते हैं, चाइना उन्हें मार के गिरा देता है। अब हमारे जब बड़े बड़े शिप जाएंगे तो चाइना, एक तो मैं बोलूंगी कि मैं सपोज फिलीपींस, या मैं बोलूं वियतनाम, मैं वियतनाम की बाउंड्री में काम कर रही हूँ, उनके एरिया में काम कर रही हूँ, तो मुझे कैसे ठोक सकते हो, ठीक। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा देखिए एक बात समझिए, अगर आपको याद है तो अभी 4 जून को एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आपको पता ही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के भी चाइना से कुछ खास बनती नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडो पैसिफिक को लेकर एग्रीमेंट हुआ, जहां उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि सी रूट फ्री होना चाहिए। अब सी रूट फ्री होने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ एक पॉइंट और समझा देती हूँ। चाइना बोलता है कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी है वो उनका हिस्सा है, यानी कि उनका इंटीग्रल पार्ट है, उनका संप्रभुत्व है यहाँ। इसका मतलब ये है कि ये जो पानी है, ये जो आइलैंड है, और ये जो एयर है, ये सब उनका है। अगर किसी प्लेन को यहां से उड़ना है, किसी शिप को यहां से उड़ना है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इसी के लिए एग्रीमेंट किया, और उन्होंने बोला कि ये गलत है, ये किसी लॉ के अंडर नहीं आता। मतलब जो मैंने भी आपको लॉ बताया वो लॉ के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, चाइना ऐसा नहीं कर सकता, ठीक। इसके अलावा एक बात और समझिए कि चाइना इस वक्त, इंडिया चाइना के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर आपको वो समझना है तो आपको वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा इंडिया चाइना का जो अभी करंट प्रॉब्लम हुई थी वो कहां और कैसे हुई थी। ये तो हो गई दो मुद्दे पे बात। तो इंडिया एशियान देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा सकता है, उसको ट्रेड में फायदा होगा, उसको क्रूड ऑयल में फायदा होगा, वो मिडिल ईस्ट से अपनी डिपेंडेंसी घटा सकता है, और उसको ट्रेड करने के रास्ता उसका बंद नहीं होगा, ठीक है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कोई बड़ा देश जब वहां काम करेगा तो चाइना डायरेक्टली उनके शिप तोड़फोड़ नहीं सकता, उनको मार नहीं सकता। एक बात समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब अगर मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगी, आपको न्यूज में आपने देखा होगा कि वियतनाम को ब्रह्मोस देने की काफी ज्यादा बात की जा रही है, कि वियतनाम को हम ब्रह्मोस देंगे। अब ब्रह्मोस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम ये देने की बात कर रहे हैं? पहली बात तो ब्रह्मोस जो है ना, वो बेसिकली कैसे उड़ता है, वो 50 मीटर तक ऊपर जाने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि ये रडार इसको पकड़ नहीं पाते। और ब्रह्मोस जो है वो सीधे ना उड़ के वो टेढ़े मेढ़े उड़ता है, तो क्या होता है, कोई भी जो चाइना के डिटेक्टर हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से ब्रह्मोस काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने ब्रह्मोस वियतनाम को देने की बात की है। देखिए काफी सारे क्लैरिफिकेशन आए हैं, वो सारे अलग मुद्दे हैं, तो ये है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंडिया के लिए इसलिए साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। चलिए तो ये था पूरा साउथ चाइना सी का मुद्दा। आप ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे साथ मेरे चैनल थिंक जीके पे जुड़ सकते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर सेशन पसंद आया तो सेशन लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। ऐसे और कौन से वीडियो आप समझना चाहते हैं, टॉपिक समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।